हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका सूट की कटिंग का और किस तरह हमें कपड़े को फोल्ड करना है, कैसे लेना है, चौड़ाई कितनी लेनी है, सब मैं बताने वाली हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने अपने कपड़े जितनी लेंथ लेनी उतनी ले ली हूँ और ये मैंने कपड़े को वन फोल्ड करी हूँ सबसे पहले। और कपड़े को हमेशा उल्टे साइड में हमें निशान लगाते हैं। वन फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पर टू फोल्ड कर ली हूँ, मतलब कपड़े की चार फोल्ड हो चुकी है अब। और अब मैं इसकी चौड़ाई बता दूँ, मैंने कपड़े की चौड़ाई कितनी ली हूँ। तो मेरी जो फिटिंग की है 9, तो मैंने ये कपड़े की जो चौड़ाई है 11 ली हूँ, जिससे मेरा सूट बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा और मेरा कपड़े भी बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। तो अब सबसे पहले मैं सबसे ऊपर ले रही हूँ शोल्डर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 6, आर्म होल ले रही हूँ मैं यहाँ पे 6.5। इस तरह से लेने के बाद हमें कुछ बॉक्स बना लेने हैं, कुछ इस तरह से जिस तरह आपको से स्क्रीन पे दिख रहा है। तो गाइस बहुत ही आसान है, जितना भी आप शोल्डर ले रही हैं उतना आप आर्म होल ले लें। मैं यहाँ पे 1/2 इंच थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ और इस तरह से हम सीधी रेखा खींच लेंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई और अब चेस्ट वाली लाइन से हम 7.5 का गैप ले रहे हैं। मैं यहाँ पर कमर का ले रही हूँ, 7.5 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। कोई 7 भी लेता है, 6.5 भी लेता है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग। तो मैंने 7 का चेस्ट ले ली हूँ और 7 यहाँ पे हिप ले ली हूँ मैंने 7.5, और इस तरह से सीधी रेखा खींच ली। अब हम इस पर अपनी फिटिंग की निशान लगाएंगे जो हमारी कमर की और हिप की लगेगी। तो अब मैं यहाँ पे अपने लगाती यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ आर्म होल। आर्म होल ड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका, 1.5 इंच ऐसे करके इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो ये वाला जो लाइन है हमारा बैक का है, बैक का आर्म होल ड्रॉ होने का। और फ्रंट के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से ड्रॉ करना होता है। आप एक रेखा भी खींच सकती हैं या डायरेक्ट आप इस तरह से खींच बना सकती हैं। ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। इस तरह अगर आप आर्म होल बनाते हैं तो कभी भी आपको झोल वोल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने फिटिंग का निशान लगा ली 9 और ये मैंने लगाई हूँ 8 कमर, और ये भी मैंने हिप लगा ली हूँ 9। ये हमारी फिटिंग की निशान लगा ली हूँ। और अगर आपके पास ये स्केल है तो आप स्केल की सहायता से इस तरह निशान लगा सकती हैं। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप बिना स्केल से भी लगा सकती हैं। ये देख सकती हैं कपड़ा इस सूट में मेरा मतलब थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं होने वाला है। जितना मेरा सूट में लगता था मैं उतने ही कपड़ा ली हूँ। टेलर वाले बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं कपड़े। ये बता सकती हूँ 1.5 मीटर मेरा ये कपड़ा है और बहुत ही लॉन्ग सूट बन के रेडी होने वाला है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी। अब मैं शोल्डर के पास से अपना गले का निशान लगा रही हूँ 3, और थोड़ा सा मैं अपना शोल्डर नीचे की तरफ डाउन कर रही हूँ। इससे हमारा कंधा कभी गिरता नहीं है, चाहे कितना भी डीप आप गला वाला बना ले। ये हमारा परफेक्ट सिंपल सूट की बिल्कुल मैंने अच्छे से कर ली हूँ। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग भी बहुत आसान है, जिस तरह से आपने कटिंग निशान लगाए उस तरह से कटिंग लगाए। और हाँ गाइस, मैंने एक्स्ट्रा जो हम 1.5-2 इंच का निशान लगाते हैं वो मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैंने कपड़ा ही उतना ली हूँ, ना ज़्यादा ली हूँ ना कम ली हूँ। मतलब 1.5 निशान से मेरा फिटिंग से देख सकती हैं आप, 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा है कपड़ा, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने निशान नहीं लगाया। अब कटिंग करने के बाद ये सकते हैं हमारी सिंपल सूट की कटिंग बिल्कुल रेडी हो गई। इस तरह कट करने से क्या होता है ना, हम बिल्कुल कपड़े को बराबर करके सिलाई कर लेते हैं, इससे हमारा आगे पीछे नहीं होता। तो सिंपल सूट की कटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्रंट वाला अपना आर्म होल कटिंग कर ले रही हूँ जो हमने निशान लगाई थी। बैक वाले को अंदर डाल देंगे और इस तरह से कपड़े को बराबर करते हुए हमें इस तरह कटिंग कर लेना है। तो गाइस इस तरीके से अगर आप सूट सिलती हैं तो आपका जो है सूट बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगा और गाइस आपका कपड़ा भी बर्बाद नहीं होगा। मतलब मैं 4 कपड़े मीटर में, एक सूट, एक पैजामा और एक सूट का कपड़ा मेरा अभी बचा हुआ है। तो